हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टॉक्स पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टॉक मार्केट के लाइव अपडेट्स। आइए चलते हैं हमारे पहले अपडेट की ओर। हाँ तो दोस्तों, पहली खबर ये आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। एक और जहाँ बाज़ार में गिरावट है, तो दूसरी ओर बैंक के शेयरों में 2% तक मजबूती के साथ आज ये सेंसेक्स 30 का टॉप गेनर बना हुआ है। शेयर आज 762 रुपये तक पहुँच गया है, जबकि बीते शुक्रवार को यह 747 रुपये पर बंद हुआ था। बैंक ने बीते हफ्ते मार्च तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी किए हैं, जो कि बाज़ार में सब लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 59% बढ़ा है। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर के लिए 1050 रुपये का टारगेट देते हुए खरीदारी की सलाह दी है, और इसके करंट प्राइस 747 रुपये के लिहाज से इसमें 40% रिटर्न संभव है। तो दोस्तों, इसके बाद जो अच्छी खबर आ रही है वो ये कि अडानी पावर का शेयर आज के कारोबार में रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। आज शेयर 5% बढ़कर 272 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि शुक्रवार को यह 259 रुपये पर बंद हुआ था। इस साल इसमें 169% तेज़ी आ चुकी है, जबकि एक साल में यह 210% मजबूत हुआ है। तो दोस्तों, आज की तीसरी और आखिरी खबर यह है कि कल 26 अप्रैल को कैंपस एक्टिव वेयर का आईपीओ खुल रहा है। ये आईपीओ 28 अप्रैल तक सब्सक्राइब किया जा सकता है, और इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 1400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टॉक मार्केट के और अपडेट्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।